किसी को फोटोशूट चलवा रखा है? हाँ क्यों 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 चीकू का इतना मन कर रहा है, व्यू का इतना मन कर रहा है केक खाने का। कल दी का बर्थडे है, आने वाले कुछ आवर्स में आज की कड़कती भड़कती बारिश में 28 ऑफ दिसंबर को इतनी अच्छी बारिश हो रही है कि हम, मैं और मेरी बड़ी दी गए थे दी के लिए गिफ्ट लाने। एंड लुक, हम उनके लिए तो थोड़ा सा कम बट खुद के लिए बहुत सारा कर लाया। बोल रही थी कि हम दी के लिए गिफ्ट लाए तो है बट उसमें अपनी शॉपिंग ज्यादा करके हम गए थे शॉपिंग करने। बारिश का हमें आइडिया नहीं था, बारिश इतना ज़्यादा होना स्टार्ट होगी। सो हम जो लेके आए हमें इनके लिए पसंद नहीं आया, बिकॉज मतलब पसंद आया इनके लिए बहुत रेयर, और अपने लिए ज़्यादा इसलिए पसंद आ गया क्योंकि ये बहुत स्लिम हो गई हैं, बहुत पतली हो गई हैं। एंड पतली होने का नतीजा गिफ्ट की सीमा कम। तो फिर हम 12 बजे मिलेंगे एंड हम उनके लिए छोटू केक लेके आए बिकॉज हमारे पास एक लिस्ट बिग केक नहीं मिल रहा था। सो तो बर्थडे के हमारे ना पेट में कुछ पचा नहीं, क्या हम गिफ्ट लेके आए तो हम पहले दिखा देते हैं इनको गिफ्ट। तो एक तो ये मेरी तरफ से, ये पकड़ो, ठीक है रुको अभी मत खोलो, एक साथ ये भी मेरी तरफ से, ठीक है। और बड़े दी दो, ये बड़ी दी की तरफ से, इतने सारे। हाँ तो एक मेरी तरफ से, दो शिफू की तरफ से। थैंक यू सो मच। इसकी स्लीव्स गाइस, ये वाला गिफ्ट है दीदी की तरफ से, थैंक यू दीदी। और ये क्या स्टाइलिश बनाने के लिए, ये मैच है। हाँ टाइप चीकू, थैंक यू शिपु। एक और है, खोलो। और ये लड़का शैतानी करते हुए उसको मेरे ही जूते, उसको सारी मेरी चीजें ही पसंद आती है, वो शू लवर है भाई। तो बड़ी दी के लिए मेरे क्यों ले रहा है? हाँ ये तो नहीं, वुलन पैंट, थैंक यू। बोल दो अब हम 12 बजे मिलते हैं, इनको इनकी गिफ्ट मिल चुकी है, पर ये हमें पता है ये तैयार होने नहीं वाली है, बीमार जो हो रखी है। तो क्या हो गया, हैप्पी बर्थडे। हम छोट कोई नहीं, हम छोटू सा केक लेके आया, केक खोलो। नाम वाम कुछ नहीं है, वही तो। Happy birthday to you. Happy birthday to you. एज बता दो अपनी। एज इज 22। कितनी झूठ बोलती है। बच्चे हमारे सो रहे हैं दोनों, एक यहाँ एक वहाँ खराटे मार रही है, तीसरा अपनी दादी के पास है। और हम मम्मी पापा को नहीं उठाया हमने, एक मिनट में पक्के। so आप लोग भी खाओ। हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज रिंकी शर्मा। तो आज है 29 दिसंबर, तो मेरा बर्थडे का दिन है
और आप लोगों ने पहले ही देख लिया होगा, मेरी छोटी बहन ने और बड़ी बहन ने मुझे गिफ्ट किया है। तो मैंने कुछ भी अपने लिए ड्रेसेस वगैरह कुछ नहीं ली थी, सिर्फ बच्चों के लिए टॉयज लिया था। उसके बाद से मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब चल रही है। तबीयत ख़राब में आप जानना चाहोगे क्या चल रहा है, क्योंकि मुझे हो रहा है मकड़ी के दाने हो गए हैं और हाफ बॉडी पर हो गया, आधा पेट और आधी कमर पर। तो उसकी वजह से मैं कहीं भी मूवमेंट वगैरह की सिचुएशन में नहीं होती हूँ, तो उस वजह से लेटी रह जाती हूँ और थोड़ा बहुत चीकू को भी गोदी नहीं ले पा रही, क्योंकि जिस साइड में चीकू को गोदी लेती हूँ इसी साइड लेती हूँ छोटू को गोदी, तो मेरे वो चीज़ छिल सी जाती है और ज़्यादा दाने उभर गए हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं उसको ले नहीं पाती हूँ गोदी। लेटे लेटे ही जो करती हूँ थोड़ी सी उसकी ड्रेसेस वगैरह, जैसे सुसु कर देता है तो पॉटी वगैरह भी आजकल मम्मी वॉश कर रही है, तो इस वजह से बहुत प्रॉब्लम चल रही थी। तो आज का दिन थोड़ा सा मेरे लिए डाउन है, क्योंकि मैं आज अपने लिए कुछ स्पेशल नहीं कर पा रही हूँ और मैं आज का दिन बहुत स्पेशल फील करती हूँ, और क्यों ना किया जाए, आज का दिन होते ही स्पेशल है। तो हर साल मैं अपने लिए शादी से पहले भी, मतलब मैं अपने लिए पूरी फुल ड्रेस, जो भी मुझे मतलब स्कूल का टाइम था तो बैग वगैरह सब कुछ न्यू लिया करती थी, और एफडी के टाइम पे भी अपनी फाइल तक न्यू ली थी मैंने, फाइल चूज मतलब जो भी मुझे उस दिन पे यूज़ करना होता था सब कुछ, पेंसिल रबर से लेके सब कुछ न्यू लिया करती थी मैं। और शादी के बाद से थोड़ा सा डाउन हो गया था, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि दोबारा से मैं वही पोजीशन पे आऊँ, लेकिन मेरे ये मकड़ी के दानों की वजह से मेरा वो चीज़ थोड़ा डाउन कर दी, क्योंकि बाहर जाने आने में मुझे प्रॉब्लम हो रही है अभी, तो मैं जा नहीं पा रही हूँ। और आजकल आज सिर्फ इवनिंग टाइम में थोड़ा सा मस्ती करेंगे बच्चों के साथ, और इवनिंग टाइम में ही थोड़ी सी पार्टी कर लेंगे, तो वो चीज़ मैं शिबू से मंगा लूँगी, जो भी मुझे मंगाना है तो शिबू ले आएगी, और मैं नहीं जाऊँगी, घर पे थोड़ा सा रेस्ट करेंगे कुछ दिन, फिर थोड़ा बहुत निकलेंगे बढ़ेंगे, तो जब तक ठीक नहीं होता है, दवाई चल रही है मेरी, दवाई सही होने के बाद फिर थोड़ा सा बाहर इंजॉयमेंट वगैरह चलेगी, और कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए न्यू आता रहेगा। तो चलिए देखते हैं बच्चों के साथ इवनिंग में क्या क्या करती हूँ मैं, आप लोग मेरे साथ आगे बनी रहेगा, तो मिलती हूँ आप लोगों को इवनिंग में। बर्थडे कल तैयार हो चुकी हैं एंड हम इनके लिए इतना सारा सामान ला चुके हैं। क्या क्या ले आए हैं मैं बता देती हूँ, ये पिज्जा इनका फेवरेट, समोसे मेरे फेवरेट, चाउमीन मेरे फेवरेट, ये आज हमें आ चुका है मेरा फेवरेट, मोमोज नहीं आया, अच्छा स्प्रिंग रोल वगैरह सब कुछ आ चुका है, करूंगी तो आपको शुक्र, मैं पानी पी लेती हूँ। इतनी दूर से हम दोनों ना लेके आए हैं इनके जैसे, और इतनी सारी चीजें हैं, चाउमीन, स्प्रिंग रोल, चिली पटेटो, फ्रेंच फ्राइज, पिज्जा, कौन खाए, केक, चॉकलेट, कोल्ड ड्रिंक। ये फिगर देख के आपको लगता है हम ये फिगर देख के लगता है सब कुछ मैं खाती हूँ लेकिन मेरा फिगर ही नहीं बनता। तो केक तो कट करना नहीं होगा, किसी को फोटोशूट चलवा रखा है, हाँ फोटो भी तो जरूरी है, क्यों 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 चीकू का इतना मन कर रहा है, व्यू का इतना मन कर रहा है केक खाने का। हैप्पी बर्थडे टू यू, क्यों जला रहे हो बच्चों को, शॉट होता है ना, ये लो मारो, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, क्या क्या खाने लग गए, पिज्जा और फ्रेंच फ्राइज, फ्रेंच फ्राइज इसकी फोटो खींचो।
जाएंगी हमारे बिना प्याज खाने वाले इंसान। सो गाइज, वीडियो का यही एंड करते हैं, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। तो मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय 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 करो पापा बाय चीकू बाय करो चीकू बाय करो चीकू स्प्रिंग रोल मेरा सॉल्व और दबा दिया।